इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार मित्रों, इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से आज जनपद गोरखपुर तहसील बोला विकास खंड बड़ागंज के नेतृत्व में आज ग्राम सभा और संकश के जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत और हमारे बीच उपस्थित हैं। हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे और आज 2024 की जो है आगामी चलाई होना सर आपस। नमस्कार, मैं आलोक कुमार गुप्ता वार्ड संख्या 46 गोरखपुर का जिला पंचायत सदस्य मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक। सर आज जो आप मानव शिक्षा सेवा संस्थान के आप प्रबंधक हैं, आप इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, अपने संस्था बारे में कुछ बताएंगे। हमारी संस्था सामाजिक संस्था है जिसमें शादी विवाह से लेकर के मदर्स जीने तक, लोगों के रोजगार से लेकर के और शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के तमाम सारी सुविधाएं हैं जो भी मानव सेवा संस्था से जुड़ता है उनके सारी सुविधा हम उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि जो लोग आपकी संस्था में जो लोग जुड़ते हैं उन लोगों का हर समस्या का निदान करने का आप पास जो व्यवस्था है या समूह को सटीक व्यवस्था है? हमारे पास जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को जनता तक उसको पहुँचाया जाता है। यूँ कहिए कि गरीब आदमी भी अगर अपने बेटे और बेटी की शादी करता है और जैसा कि कहा जाए कि टेंट है, गाड़ी है, पानी की व्यवस्था है या आने वाले समय में शिक्षा में शिक्षक की व्यवस्था हो, अस्पताल की व्यवस्था हो, तो आप मिनिमम थोड़ा थोड़ा दो दो तीन तीन रुपया चार चार रुपया भी अगर आप बचाएंगे तो ये सारी सुविधा हम आपको पहले ही उपलब्ध करा देंगे। यानी कि आप एक बचत धन योजना के अंतर्गत आप जुड़े हैं जिससे अगर शादी विवाह किसी अन्य खर्चे में अगर उनके पास इकट्ठा धन नहीं हो पाता है तो आपके साथ रह करके अगर व्यवसाय करना चाहते हैं वो आप में जुड़ते हैं तो यह मानव शिक्षा सेवा संस्थान जो है इससे उनका लाभांश आगे मिल जाए, किसी तरह का कोई एहसास नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, अभी तो बहुत सारे लोगों की शादियों में सहयोग किया गया। अब जैसे तो एग्जाम्पल के रूप में कि अगर किसी गरीब परिवार की बहन बेटी की शादी होती है तो अनुमन 25-30 हज़ार का टेंट से लेकर के रजाई गद्दा से लेकर के बर्तन जो खाने पीने का जैसे होता है सामान वो आप बुक करते हैं कहीं ना कहीं से। पैसा कब देते हैं? पहले देना पड़ता है। आप हमसे जुड़िए, आप 3-3 रुपये एक दिन का बचाइए और हमसे सारी सुविधा पहले दीजिए और किस्तों में, आसान किस्तों में आप हमको उस पैसे को वापस कर सकते हैं ताकि इससे गरीबों की सेवा भी हो सके और जनता की सेवा भी हो सके, उनको सुविधा भी उपलब्ध हो सके। सिर्फ जो पैसा आपने ये बताया कि 3 रुपया पर डे से जुड़ने का काम करें, एक संस्था होता है कि अगर वह जुड़ते हैं तो एक लाभांश भी मिलता है, तो जो आपका धन प्रोवाइड होता है किस संबंध से कैसे प्रोवाइड करते हैं? जनता खुद जुड़ती है, जनता जुड़ करके एक एक दिन के एक एक दो दो रुपया 3-3 रुपये की बचत करती है। हमारे लोग जाते हैं, संस्था से जुड़े हुए लोग जाते हैं, लोगों के घरों घरों पे जाके उनको जागरूक करने का काम करते हैं और उनको बताते हैं कि आप अपने पैसे की बचत करिए और उसके बाद शादी विवाह से लेकर के तमाम चीज़ें हैं सुपरमार्केट की व्यवस्था हमने बना रखी है जहाँ पे राशन से लेकर के तमाम जो है घरेलू सामान की जो जरूरतें होती हैं जनता को वो सारी चीज़ें वो ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो अभी मान लीजिए कि हमने अगर कोई अपने बेटे बेटी के शादी के लिए हमने किसी होटल को ही मैंने बुक किया तो लाखों रुपये लोग होटल में देकर चले जाते हैं, वो भी पैसा होता है तब कर पाते हैं। गरीब आदमी का तो सपना ही रह जाता है कि हम किसी अच्छे होटल में अच्छी व्यवस्था में हम अपने बेटे और बेटी की शादी करें जी। तो ऐसे स्थिति में अगर वो सिर्फ हमसे जुड़ेंगे तो हमारे पास वो सारी सुविधाएँ हैं जो जनता तक हम पहुँचाने का काम करते हैं, लोगों को देने का काम करते हैं। और अभी इन सारी चीज़ों के बीच हम नशा मुक्ति अभियान का भी कार्यक्रम चला रहे हैं, अभी तो उसकी शुरुआत हुई है। धीरे धीरे हम गोरखपुर के अलावा हमें जनपदों में भी जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और नशा मुक्ति अभियान के तहत हमारी संस्था का ये प्रयास है कि लोग नशा से दूरी बनाए, नशा मुक्त हों और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, बच्चों को अच्छी दिशा में ले जा करके अच्छी शिक्षा दिला सकें। सर आपने एक बहुत बढ़िया नई सोच आपने बताया कि नशा मुक्त। आज हमारे यहाँ के तमाम नौजवान बच्चे, नौजवान लोग, छोटे बड़े बच्चे जो देख रहे हैं, जो सीख कर रहे हैं, यह कहीं ना कहीं प्रभावित नशा मुक्त
हो रहे हैं और आपने अगर नशा मुक्त से अगर इनको जो है मुक्त कर रहे हैं तो बहुत ही सराहनीय बात है। और हर जगह कहीं ना कहीं अगर इस तरह से नशा मुक्त हो जाएं तो बहुत ही बढ़िया बात है। आज 2024 चल रहा है, आप अपने जो है समस्त लोगों उस लोगों के बारे में सब क्या कहते हैं? अपने साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित माताओं बहनों का, सभी चाचा दादा युवा दोस्त बुजुर्ग सभी लोगों का मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमसे जुड़े हैं और ये विश्वास, ये प्रेम, ये मोहब्बत आप लोगों ने जो मेरे ऊपर बनाया है, मानव सेवा संस्थान के ऊपर बनाया है, इसी का ही तो देन है कि आपने वार्ड नंबर 46 में यूँ कहिए कि एक तरफा चुनाव आप लोगों ने जीता दिया। सम्मान सीट होने के बावजूद भी आप लोगों ने एक तरफा चुनाव जिताने का काम किया, तो कहीं ना कहीं अच्छे कर्मों का फल जो है आपने मिला, आपने आशीर्वाद दे करके अपना कीमती वोट दे करके जो दिया है, इसके लिए तो मैं आज जिंदगी भर आप सभी लोगों का आभारी रहूँगा और मैं इसी तरीके से जो आशीर्वाद आप लोगों का मिला है मिलता रहेगा, आजीवन मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आपने बहुत अच्छी बात आज आपने कहा कि आजीवन सेवा करते रहेंगे और करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सर 26 जनवरी और मौनी अमावस्या सामने विगत फरवरी में है, इसके बारे में अपने ग्रामीणों को क्या कहेंगे? 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे प्रदेश की सभी सम्मानित जनता को। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूं कि ये जो काम करने का जो प्रेरणा जिसको कहा जाता है, सोच जिसको कही जाती है, सही रास्ते पे चलने का जो दिशा अगर किसी ने दिखाया है या किसी ने प्रोत्साहित किया है कि बेटा आगे बढ़ करके इस तरीके का कार्य करो, समाज सामाजिक हित में समाज के लिए काम करो, तो मेरे सिर्फ एक ही प्रेरणा स्रोत है, वो है आपके चिल्लूपाल के विधायक मुक्ति पथ वाले बाबा और हमारे चाचा जी श्री राजेश त्रिपाठी जी, जिनके घर कमरों द्वारा सारी व्यवस्थाएं उनके आशीर्वाद के रूप में मिलता रहता है। और जैसा कि मैं कहा ना कि 3-3 रुपये का सहयोग, तो आप सोचिए कि 1-1 रुपये का सहयोग लेकर के उन्होंने मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग चिल्लू पार क्षेत्र की जनता को दिया है, उन्हीं के ही मार्गदर्शक पे मैं चल करके और जनता की सेवा कर रहा हूँ। इसके लिए तो मैं सबसे पहले तो अपने आदरणीय चाचा जी श्री राजेश त्रिपाठी जी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके दिशा निर्देश पे चल करके जो मुझे प्रेरणा मिली मैं ये काम कर रहा हूँ। और जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने विश्वास दिया, प्रेम मोहब्बत दिया, इन सारी बातों के साथ कि जब कभी भी मौका मिलेगा तो मैं किसी के लिए पीछे नहीं हटूंगा, यथासंभव जो भी मुझसे प्रयास होगा, जो भी मेरी क्षमता मेरी हैसियत मेरी औकात होगी, मैं हर रूप में जनता की सेवा के लिए हमेशा खड़ा हूँ। बहुत सही आपने कहा कि माने पूर्व मंत्री हमारे राजेश त्रिपाठी जी वर्तमान के विधायक चिल्लूपार विधानसभा के रहे और उनके नेतृत्व में आज इन्होंने एक शब्द कहा कि 3 रुपये का व्यवस्था करके आज मुक्ति पथ वाले बाबा जाने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में हमारे गोरखपुर जनपद गृह के चिल्लूपार विधानसभा के विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, आज वर्तमान के विधायक हैं भी, और आज उनकी सहानुभूति जो आप पर बता रहे हैं कि जो सहानुभूत रही, जो आशीर्वाद रहा है, और उनके साथ जो पब्लिक की, जो गांव की या समस्त जनता की जो आशीर्वाद आपको मिला, इसके लिए आप बहुत बहुत जो है आभार व्यक्त किए हैं। इसके लिए हम बहुत अपने चैनल के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि आज इन्होंने जो शब्द कहा है एक बहुत ही जो है स्वभावशील बात कहे हैं कि सभी लोगों की सम्मानित जो हर प्रणा से आते हैं, जैसे आज इनकी एक मानव शिक्षा सेवा संस्थान के रूप में जो कई लोगों को इन्होंने एक रोजगार का व्यवस्था दिया, एक नया व्यवस्था बनाया है, इसके लिए जीव का उपार्जन कहीं न कहीं लोगों को देने का व्यवस्था बनाया, तो एक बहुत सराहनीय बात है। और सारे लोगों में यह गुण नहीं होता है कि हर गुण से कहीं न कहीं लोग चल सकें, आज जो गुण इन्होंने दर्शाया, जो चीज़ मार्ग दिखा रहे हैं लोगों के प्रति, जैसे इन्होंने एक शब्द कहा कि जिला पंचायत सदस्य होने के नाते और आज जो संस्था से जुड़े हुए हैं, आज इनके यहाँ कम कुछ नहीं तो जो महिलाएं काम करती हैं उन महिलाओं का तो जीविका उपार्जन चलता है, उनसे लोगों का जो है जीविका चलता है, और यही सहानुभूति अगर ऐसे ही लोगों में हो जाए तो जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी सीएम सिटी के, माननीय हमारे योगी महाराज जी
के नेतृत्व में अगर है, इसी तरह सब लोग अगर लाभान हो इधर आए तो गरीबी का नाम जो है हमेशा के लिए यह मिट जाएगा। और आज इन्होंने हमारे चैनल में समय दिए, चैनल में समय देने बाद धन्यवाद, नमस्कार। मैं इंडियन टीवी चैनल पर राकेश टूडे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।